नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे कृष्ण। आज हम आए हुए हैं बिहार और बिहार के रोहतास जिले में सासाराम। सासाराम एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ऐसे स्थल यहाँ भी है जो पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल भी है, जैसे माँ तारा चंडी जी का दरबार, और बगल में ही भभुआ जिले में माँ मुंडेश्वरी जी का स्थान है। वैसे फिलहाल हम सासाराम के गोरक्षुड़ी में आए हुए हैं, और जहाँ माँ तारा चंडी के नाम से यह स्टूडियो है, जैसा कि आप वहाँ देख पा रहे हैं, माँ तारा चंडी के नाम से यह स्टूडियो है। तो जो भी सिंगर्स हैं, गाने वाले हैं, गायक हैं, भोजपुरी लोकगीत या फिर अन्य जो गजल तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं आजकल, देख रहा हूँ बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन यह जगह है माँ तारा चंडी स्टूडियो, जहाँ पे आप आ सकते हैं। बहुत ही मुनासिब रेट का आपको यहाँ म्यूज़िक और वोकल सब कुछ मिल जाता है। मुझे लगता है कि आपका यहाँ पूरी संतुष्टि के साथ कार्य किया जाता है। और हमारे साथ देखिए एक आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, कंचन शर्मा जी, और आज बड़ा ही विशेष दिन है। देखिए बड़ा ही विशेष दिन है, 17 तारीख है, 17 सितंबर यानी कि बाबा विश्वकर्मा जी का जयंती कार्यक्रम मनाया जाता है। आज 2024 है, 17 सितंबर 2024 के दिन हम बिहार के रोहतास जिले में सासाराम उपस्थित हैं, सासाराम में गोरक्षुड़ी, और इस स्टूडियो पे आप आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, या फिर आप स्क्रीन पे भी नंबर लिख के दे दूंगा, ताकि आप वहां से भी अपने यहां का एड्रेस लोकेशन जान सकें कि ये स्टूडियो कहां है। आइए स्टूडियो दिखाता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 295 किलोमीटर दूर यहां अपने किशोचा धाम, किशोचा दरगाह से, जिला अम्बेडकर नगर से आया हुआ हूँ। सासाराम में 295 यानी कि 300 किलोमीटर दूर इस स्टूडियो में, जो कि बहुत बेहतरीन कलाकार यहाँ के हैं, यहाँ के ओनर जो हैं बिट्टू सिंह जी जो हैं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, और यही प्रेम दुलार देखकर मैं इस स्टूडियो में आया हुआ हूँ। बस यहाँ आके थोड़ा सा घूमना था, पुराना परिचय भी था, इसलिए इस स्टूडियो में आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि एक दो गाने भी मैं इस स्टूडियो से गाऊँ, क्योंकि बड़ा नाम सुना है मैंने इस स्टूडियो का। आइए और थोड़ा सा आपको इस स्टूडियो के बारे में जानकारी देते हैं। ये है डेस्कटॉप और ये है अंदर का दृश्य, जहाँ पे माइक लगा हुआ है, और माँ ताराचंडी स्टूडियो सासाराम आपको जैसा कि सामने दिख रहा है। विश्वकर्मा जी का, भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन अर्चन किया गया और फिर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दो स्पीकर हैं और दो गणेश लक्ष्मी जी हैं, यानी कि एक गणेश जी एक लक्ष्मी जी, और ये माँ शारदा यानी कि सरस्वती जी का है, और इनका होना भी आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि बिना इनके कहाँ कार्य होने वाला है। माँ शारदा की कृपा विशेष होनी ही चाहिए। ये देखिए बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, इसको रिकॉर्ड कर लिया मैंने, माँ ताराचंडी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और कंचन भाई जो हैं, कंचन शर्मा जी, ये रिकॉर्डिस्ट का कार्य यहाँ करते हैं और बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे जानकार हैं, इसलिए कलाकार बोल रहा हूँ। और ये है वोकल रूम, मुझे लगता है कि जहाँ से लोग गाते हैं खड़े होकर, बिल्कुल साइलेंट रूम है, बाहरी आवाज़ ना अंदर आएगी ना नॉइस किसी प्रकार की होगी, पता नहीं चलता। तो और यहाँ से लोग गाते हैं इस, ये देखिए हेडफोन रखा हुआ है, हेडफोन कान में लगाकर, और फिर इस कंडेंसेशन माइक से गाते हैं। बहुत महंगा माइक होता है, 50-60 हज़ार का शायद होता है, और रोड का माइक है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, बेहतरीन होती है इसकी। और देखिए बहुत हल्का सा इसके अंदर होता बना हुआ होता है। कंचन भाई अभी देखिए धूप भी जला रहे हैं, मेरी कोई से नहीं जल पाता, कार्य कर रहे हैं, और मैं सोचा कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बड़ा बेहतरीन टाइम है कि ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। और आपको पता होगा कि पूजन पाठ के टाइम थोड़ा सा खिल जाती हैं चीज़ें, जब कोई घर में कार्यक्रम होता है, पूजन का कार्यक्रम होता है, पाठ का कार्यक्रम होता है, कथा का कार्यक्रम होता है, तो ऐसे में देखिए आप नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है बिट्टू भैया जी का, माँ तारा चंडी स्टूडियो सासाराम। और ये देखिए 98 52 ऐसे करके है, उसमें नंबर लिख दूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन है, जिनको भी आना रहेगा, ये लोकेशन बड़ा अच्छा है, बहुत ओवर ब्रिज है, जो रेलवे का ओवर ब्रिज है, सासाराम रेलवे
रेलवे स्टेशन का जो ओवरब्रिज है उसके बगल में ही यह जगह है। आप यहाँ आ सकते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर मात्र दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं, गोरखपुरी में ही आता है मार्केट में।